हेल्थ प्लस प्रोग्राम तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हां वैद शेर सिंह मोगे मद्दे वाले मेमोरियल धालीवाल हस्पताल, जो कि कमल सिरमे वाली गली रेलवे स्टेशन रोड बठिंडा विखे स्थित है। इत्थे गठिया, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, पेट दे रोग, दमा, शुगर, मर्दाना कमजोरी, थायरॉयड, एलर्जी, बच्चा ना होना ते चमड़ी दे हर तरह दे रोगां दा इलाज कीता जांदा है। साडी टीम ने डॉक्टर साहब नाल गलबात कीती, जिन्हां ने सानू इस हस्पताल बारे विस्तार नाल जानकारी दित्ती। आओ चलदे हां धालीवाल हस्पताल बठिंडा। दर्शको, पंजाब प्लस चैनल दे हेल्थ प्लस प्रोग्राम तुहाडा स्वागत है। अज असीं तुहानूं मिलाण जा रहे हैं धालीवाल हॉस्पिटल, एक ऐसा नाम जिहड़ा कि वेद शेर सिंह शेर बहादुर सिंह मोगे मदे वाले पिछले लंबे समय तो अपनियां सेवावां जिहड़ियां हैगियां इस हॉस्पिटल दे विच धालीवाल हॉस्पिटल डॉक्टर एस के दाबी ते डॉक्टर मोनिका जी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, जैसे ये एक कंप्लीट हॉस्पिटल है जिसमें बच्चों का और लेडीज़ की बीमारीज का जो इलाज किया जाता है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में ये होता है कि अगर हम लोग गैनी वाले पेशेंट हैं, जब वो प्रेग्नेंट होकर आते हैं तो उसके साथ मतलब पेडियाट्रिशियन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, और आप ये कॉम्बिनेशन है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्पेशली हमारा यहाँ पे बच्चों का स्पेशलिस्ट हैं और गायनी के भी हम लोग अच्छे से पेशेंट डील करते हैं, और जितने भी अगर कोई गरीब पेशेंट भी आते हैं हमारे पास तो उनको भी हम लोग अच्छे से मतलब अच्छा इलाज उनको देते हैं। जैसे आपने मैक्स हॉस्पिटल में अपनी सेवाएँ पहले दे चुके हैं और काफ़ी लंबा आपका एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं जाकर आपको एक पॉजिटिविटी देता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने बठिंडा में बहुत बड़ी पहले से सेवा कर रखी है? हाँ बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि मैक्स हॉस्पिटल भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि लोग भी देखते हैं कि भाई हाँ अच्छे डॉक्टर हैं, इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो लोग मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से आते हैं यहाँ पे। डॉक्टर, जैसे न्यूली नेटेड जो बेबीज़ हैं और उनके लिए आपका ये हॉस्पिटल एक वरदान है, क्योंकि जब भी डिलीवरी होती है मैडम जो हैं वो डिलीवरी के लिए उनको प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद बच्चे में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सिंगल चाइल्ड हैं लोगों के और बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, और ऐसी स्थिति में ये होता है कि हम लोग बढ़िया सी जो सेवाएँ उन बच्चों के लिए, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद पेडियाट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है, और वो रोल आप अदा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जैसे ही बच्चे आते हैं, जैसे कि मान लो 4 दिन का बच्चा, 10 दिन का बच्चा, तो उनको नॉर्मली जॉन्डिस जिसको हम लोग पीलिया बोलते हैं वो हमारे पास आते हैं, तो उनको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डील करते हैं। जैसे ये जॉन्डिस तो आमतौर पर देखा गया है कि हर बच्चे को ही जॉन्डिस जो न्यूली नेटेड बेबी है उसको होना है, और उसमें क्या फिर हम किस चीज़ का ध्यान रखें, मतलब कैसे हमें पता चले कि उस बच्चे को जॉन्डिस है? देखो, अगर जैसे ही बच्चे को हमें लगता है कि उसकी आँखें जो है, उसकी जो परत है उसमें अगर पीलापन लग रहा है, उसकी जो स्किन है अगर वो पीलापन लग रही है, तो सबसे पहले तो हमें उसका टेस्ट करवाना चाहिए, बिलरुबिन को हम लोग बोलते हैं। अगर वो नॉर्मल ठीक मतलब रेंज में है, 3 से 4 तक आ रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा कोई डरने या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। सिंपल सन रेज हम लोग दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं सूरज की किरणें, सुबह सुबह की 15 से 20 मिनट किरणें बहुत होती है, ऐसे बच्चों को कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। डॉक्टर, जैसे ये कॉम्बिनेशन है एक वैद का और एक डॉक्टर का, आप लोग साथ में आयुर्वेदिक साथ में एलोपैथी दोनों को यूज़ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है जिसमें आपने, क्योंकि ये उन महापुरुखों की धरती है जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी आयुर्वेद में दी है, मोगे मदे वाले वैद्य शेर सिंह जी जिनका एक नाम है और उनके नाम से ये हॉस्पिटल सेवाएँ अपनी कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि आयुर्वेद का एक अपना रोल है और एलोपैथ का भी एक अपना रोल है। अब कुछ एक पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको बिल्कुल रैपिड में उनको रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कुछ हद तक एलोपैथ का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ एक पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिलता, वो सोचते हैं कि मुझे जो तकलीफ़ है वो मुझे जड़ से ख़त्म करनी है, उसके लिए हम लोग आयुर्वेद का भी यूज़ करते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो डॉक्टर, यू आर प्रिवेंटिव प्रैक्टिशनर, क्योंकि आप लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जब बच्चे हैं उनको हमने पहले से ही स्टीरॉयड के ऊपर नहीं लगाना, उनको हमने जैसे आपने बोला कि हमने उनको सनरेज में रखना है, तो आप उस तरीके से चलते हैं कि आपके जो बच्चे हैं आगे जाकर भी रेजिस्टेंट ना हो, उनके माइंड सेटअप्स, उनका उनको मेडिसिन का भी असर होता रहे, उस तरीके से आप लोग उनको आगे लेकर जाते हैं बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मतलब जो भी हमारे पास बच्चे जितने भी आते हैं, हम लोग ऑलमोस्ट यही कोशिश करते हैं कि उनको मिनिमम एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाए, क्योंकि जब भी हम लोग जितना हाईएस्ट एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं तो वो बॉडी के अंदर रिस्ट्रेस हो जाना स्टार्ट हो जाता है, फिर बॉडी को उस तरह का एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट ही होती है, इसलिए हम लोग जितना कोशिश होती है एंटीबायोटिक यूज़ कम से कम करते हैं।
डस्ट एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जो कि एक बहुत बड़ा आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है, और उसके लिए आप लोग जैसे आम तौर पर हमने देखा है कि जल्दी जल्दी उस चीज़ को एंटीबायोटिक्स पफ के ऊपर आप लोग पहले वेट करते हैं, उनको पहले प्रिकॉशन दसते हैं, पहले आप बताते हैं कि आपको आयुर्वेद के साथ इन फार्मूलों के साथ पहले करना पड़े तो करो, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मान लो कुछ एक पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन में होते हैं, तो उनके लिए हमें क्या है कि जो रोटा हेलर पफ वगैरह होता है वो हमें एक बार कंटिन्यू को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि उसको हम लोग आयुर्वेद पे लेके आएँ ताकि वो जड़ से बिल्कुल क्योर हो जाए उसका। हम आमतौर पर लोग जो हैं वो थोड़ा उनको अवेयरनेस नहीं है और वो पफ को थोड़ा ये समझते हैं कि अगर पफ लग गया तो हमारे बच्चों को पफ लग जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये बिल्कुल सेफ्टी है और इसमें ब्लड में भी नहीं जाना पड़ता, सीधा उसका असर बहुत जल्दी होता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो पफ बनाई है आपने जो कंपनी जो है मेडिकल कंपनी, ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि भी जैसे भी हम लोग पफ का स्टार्ट कर देंगे तो ये बच्चा हमारा मतलब इसी के लिए उस जगह हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको हम लोग मतलब ठीक भी कर सकते हैं, इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है। जैसे जिस तरीके से इनफर्टिलिटी के बहुत सारे पेशेंट आपके पास यहाँ आते हैं, और क्योंकि ये जो इनफर्टिलिटी है वो मेल और फीमेल का सुमेल है, और दोनों जी जब आते हैं दोनों चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते हैं, मैडम के साथ गायनी के लेडी डिस्कस करती हैं और आपके साथ जेंट्स करते हैं, तो उनको आप काउंसलिंग के साथ भी कई बार उनकी हेल्प करते हैं और उनको कंसीव करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन इस मामले में हमें थोड़ी सी एक दिक्कत ये महसूस होती है कि कुछ एक जो इंसान आदमी जो होते हैं वो अपने आप को मतलब मानते ही नहीं कि मेरे में कमी है कोई, तो उस कंडीशन में लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें दोनों का रोल है, खाली आपके अकेले का या लेडीज़ का रोल नहीं है, तो इसमें भी हम काफ़ी अच्छा रोल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की अपन बात करें, आजकल हर आदमी अवेयर है और उसके लिए भी आप लोग गाइड करते हो, उनको बताते हो कि कैसे कैसे आपको वैक्सीनेशन होनी है, आपने कैसे कैसे वैक्सीनेशन का लाभ लेना है, और आप खुद भी जो है वैक्सीनेशन के लिए उनकी हेल्प करते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई पेशेंट आता है अगर वो हमसे पूछता भी है तो हम लोग उसको मतलब अच्छी तरीके से उसको अवेयर करते हैं कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी फैमिली के लिए भी ज़रूरी है और जो बाकी जो लोग हैं जो आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल वैक्सीनेट होना चाहिए हर एक इंसान को। जैसा कोरोना का एपिडेमिक अभी निकला है, आपने उस बुरे पीरियड में भी आप दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना भी आपने यहाँ सेवा की है, और क्योंकि आपका रेजिडेंस भी ऊपर है, आपने कभी भी किसी पेशेंट को इसलिए नहीं मोड़ा कि यहाँ इतना बड़ा एपिडेमिक है कोरोना का, आपने उस समय पे भी फ्रंट वेरियर के तौर पर सेवाएं दी हैं और पेशेंट्स को ट्रीट किया है, उनको गाइड किया है, नो डाउट कि सैनिटाइजेशन और मास्क जो आपने नेसेसरी किए हुए थे, अभी भी हमने क्योंकि हम चैनल के ऊपर आपकी एक इंटरव्यू के लिए आए हुए थे इसलिए हमने आप लोगों के जो मास्क हैं वो हटवाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास इस तरह के काफ़ी पेशेंट आए भी थे जो मतलब एसिम्प्टोमेटिक थे या मतलब इसमें थोड़े बहुत जिनको लक्षण्स दिखाई दे रहे थे, तो उनको हमने अच्छे से गाइड भी किया है, उनको अच्छे से ट्रीट भी किया है, और ये तो मतलब भगवान की दया ही है कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा काम सौंपा है एज ए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटास, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अब हम को मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर मोनिका ढाबी जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से गायनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बठिंडा के हर्ट में ये रेलवे रोड के ऊपर जो हॉस्पिटल धालीवाल है वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर मोनिका जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मोनिका, गायनी जो कि किसी समय पर हम बात करें डिलीवरीज की, तो लोग जो हैं काम करते करते बच्चों को जन्म दे देते थे, लेकिन आजकल जो ये डिलीवरीज हैं बहुत डिफ़िकल्ट हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे कि पहले का समय और अब का समय बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ? देखिए, पहले के समय में ऐसा ही होता था कि लेडीज़ को पता ही नहीं चलता था कि मॉर्निंग में काम करके हटी हैं और दोपहर तक उनकी डिलीवरी भी हो जाती थी। आजकल लोगों ने अपना रहन सहन वैसा कर लिया, लाइफस्टाइल वैसा हो गया है, तो उस वजह से थोड़ा सा अपनी इनएक्टिविटी होने की वजह से जो है ये चीज़ों में दिक्कत आ रही है कि कई लोगों को सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है, या नॉर्मल डिलीवरी तो चलो हो जाती है हॉस्पिटल्स में, पर सिजेरियन की तरफ जो जाना पड़ता है वो इनएक्टिविटी ज़्यादा उसमें रोल प्ले करती है। तो हमें थ्रू आउट द जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसमें एक्टिव रहे, अगर वर्कआउट प्रॉपरली घर का सारा काम करती हैं औरतें तो ऐसी दिक्कत नहीं आती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है उसमें। डॉक्टर, जैसे आपका ये जो हॉस्पिटल है ये कॉम्बिनेशन है एक
पेडिटिशियन का और गायनेकोलॉजिस्ट का, क्या कहना चाहेंगे कि इस चीज़ का आपको सोने के सौभाग्य वाली बात है कि जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं जिनकी डिलीवरी होती है, कोई बार नियोनेटल, कोई 7 माह 8 माह नाम पहले भी जो टाइम से डिलीवरीज होती हैं, उसके लिए भी आप लोग उन बच्चों को भी सर्वाइव करवा देते हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल होता है कई बार सर्वाइव कराना। क्या ये समझे कि कम्बिनेशन है आप लोगों का कि आप लोग ट्रीट वैसे करते हैं, आप पहले से स्कैनिंग वगैरह वैसे कर लेते हैं? देखिए जैसे ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे की या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है मदर में कि डिलीवरीज पहले करनी पड़ती है या इमरजेंसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि डिलीवरी पहले हो जाती है, तो उसमें जो बच्चा है थोड़ा टाइम नो डाउट कि रखना पड़ता है, थोड़ा हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी कंडीशन में रखना पड़ता है। उसके बाद जब घर पे भेज देते हैं, उसके बाद हमारे पास अगर बच्चा आता है तो उसको हम अच्छे से उसकी ग्रोथ के लिए उसको तैयार करते हैं, पूरा उसका ग्रोथ पे हम ध्यान देते हैं, फोकस हमारा होता है कि बच्चा अच्छे से ग्रो करे, जो मदर के वूम में करना था, मदर के यूट्रस में बच्चेदानी में ग्रो करना था, वो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से ग्रो करे। जो अपना लेडीज़ होती हैं अब उनमें भी काफ़ी अवेयरनेस हो जाती है कि चलो जैसे मेरे पास आती है कोई गायनी पेशेंट्स आते हैं तो उनका जो बेबी होता है कई बार लोगों को पता नहीं होता कि इसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो एज अ लेडीज़ वो मेरे साथ डिस्कस कर लेती हैं कई बार कि इसको ये प्रॉब्लम है तो हम क्या करें, तो डॉक्टर साहब उसके लिए सेवाएँ देते हैं अपनी। डॉक्टर साहब, PCOD जो कि एक बहुत बड़ा एपिडेमिक बन चुका है आज पंजाब में, जो छोटी छोटी बच्ची हैं 13-14 साल की वो भी PCOD से ग्रस्त हो रही है, क्या कारण है कि बहुत ज़्यादा इसका दर बढ़ रहा है और आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं क्योंकि आप कम्बिनेशन हो आयुर्वेदिक और एलोपैथी का, और आप लोग कई बार आयुर्वेदिक तरीके के साथ भी उनको और प्रिवेंटिव के साथ भी उनको इस प्रॉब्लम से निजात दिला देते हैं? जी बिल्कुल, जैसे अपना इस टाइम का जो लाइफस्टाइल है सबसे बड़ा कारण है ऐसी बीमारियों के लिए, डायबिटीज़ हो गया, PCOD हो गया, थायराइड हो गया, ये सब जो है प्रॉब्लम्स, जो गायनी की प्रॉब्लम्स होती हैं ये इसमें लाइफस्टाइल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और आजकल की जो यंग जनरेशन है उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है, और हम जो है इसको आयुर्वेद के तरीके से ही इसको क्योर करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों का लंबा एक्सपीरियंस है और मैक्सिमम भी आप लोगों ने सेवाएं दी हैं, वहाँ पर भी आपने बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हाथों से निकाल लेते थे और उसके बाद अभी काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको हर वो चीज़ जटिल से जटिल चीज़, और उसके बाद आप लोग अपनी स्टडी जारी रखे हुए हैं, कोई ना कोई नई चीज़ पढ़ते रहते हैं, नए सेमिनार्स अटेंड करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है हमारे लिए, इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है उससे हमारा काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे हम जैसे पेशेंट्स डील करते हैं तो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को जो यहाँ का माहौल पसंद आता है वो होती है काउंसलिंग, जो कोई बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कम डॉक्टर्स हैं जो काउंसल अच्छे से करते हैं, क्योंकि पेशेंट चाहता है हमें सुनना, जो भी कोई तकलीफ है हमारी कोई समझे, तो वो जो काउंसलिंग होती है आधा पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है और आधा काम हमारा बचता है वो हम जो है आयुर्वेद के तरीके से, एलोपैथ के तरीके से, जो भी हमें अच्छा लगता है कि इसमें ये करना चाहिए तो वो हम करते हैं, और सबसे बड़ी होती है डीलिंग पेशेंट्स के साथ, तो वो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब की भी और मेरी भी और हमारे स्टाफ की भी, वो हमारी मतलब पेशेंट जब आता है तो वो खुश होकर जाता है कि डीलिंग बहुत अच्छी है, और बाकी जो प्रिवेंशन है या मेडिकल जो उनको मेडिसिन्स हैं, केयर है, वो तो उनको मिलती है, तो वो जो एक जुड़ाव है पेशेंट का वो हमें काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। कई बार लोगों में अवेयरनेस नहीं होती कि ये क्यों है, कई बार वैसे ही कोई इधर उधर के चक्करों में जैसे कि किसी ने कुछ बता दिया कि ये चीज़ कर लो तो हो जाएगा, ऐसे कर लो, तो कई साल निकाल देते हैं और एज भी निकल जाती है और जो मेन उसका कारण होता है उसको कहीं ना कहीं वो ढूंढ नहीं पाते क्या है, तो हम अच्छे से पहले तो उनको काउंसलिंग करते हैं कि क्या कारण होते हैं क्या नहीं होते हैं, दोनों को मेल भी और फीमेल भी दोनों को समझाते हैं, दोनों की अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, तो उनमें जो गांव के लोग होते हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इसमें शहर के लोग समझते हैं क्या है क्या नहीं है, किसमें प्रॉब्लम आती है किसमें नहीं है, पर जो गांव के लोग आते हैं उसमें काउंसलिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, वो लोग बहुत कम समझ पाते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए हम दोनों को और साथ में हो सकता है तो उनकी फैमिली में जैसे बड़े लोग होते हैं उनको भी साथ में समझाया जाता है कि दोनों के टेस्ट कराने ज़रूरी है, सारा कुछ देखना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर सकेंगे क्या है क्या नहीं है, तो जो भी प्रॉब्लम आती है फिर हम उस हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं, बट उसमें आयुर्वेद तरीके से ही ट्रीट करते हैं।
जैसे ये लेडीज़ का एक कम्प्लीट हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप लेडीज़ की हर तरह की प्रॉब्लम्स आप यहाँ सॉल्व करते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं आयुर्वेद के साथ, और उसकी जड़ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है आपकी हॉस्पिटल की, जो क्योंकि ये वैद्य ऐसे इंसान के साथ जुड़ा हुआ हॉस्पिटल है जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने आयुर्वेद के साथ सेवा की है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है हॉस्पिटल, बहुत सालों से है, 50-60s का हॉस्पिटल है ये। और इसमें जो जो भी कोई आता है उसको मेनली ये होता है कि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हमने यहाँ हमें यहाँ से ट्रीटमेंट मिलेगा, और वो हम पूरी अपनी 100% देने की कोशिश करते हैं कि इसको बिल्कुल भी हम बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कम से कम एलोपैथ का यूज़ करके और आयुर्वेद पे इसको लेकर आएँ। कई ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत क्रॉनिक हो चुके हैं, जैसे 2-3 साल, कई बार तो 5-7 सालों के भी केसेस आते हैं क्रॉनिक, तो उसको एकदम से आयुर्वेद से ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो कुछ एक डाइटरी प्रिकॉशंस रख करके और एलोपैथ साथ में स्टार्टिंग में स्टार्ट करके उसके बाद धीरे धीरे उसको कम करके और फिर आयुर्वेद पे लेकर आते हैं, और वो दवाइयाँ काफ़ी लंबी चलती हैं। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि 2 महीने खा के तो हमें रिजल्ट नहीं आया, तो 3-4 महीने बाद दोबारा आते हैं कि इतना फ़र्क पड़ गया था पर दोबारा हो गया। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद जो है जड़ से ख़त्म करेगा, पर थोड़ा सा लंबा चलना पड़ता है हमें, जैसे 5-6 महीने हो गए, कई बार साल भी चलना पड़ता है, पर ज़िंदगी भर का जो है वो निजात मिल जाता है बीमारी से। तो जैसे आज का ट्रेंड सिनेरियो है, लोग जंक फूड्स के ऊपर हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत घटी हुई हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियाँ हैं, क्या कहीं ना कहीं आकर हम ये कारण भी समझे कि जो बच्चे हैं जो वो मॉरल ऑब्सेस्ड हो रहे हैं और उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आ रही हैं? बिल्कुल, आज का जो मेनली बच्चे इससे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आज हमारे पास अब 1-1.5-2 साल के बच्चे आते हैं कि बस चिप्स कुरकुरे खाते हैं और कुछ खाते नहीं हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो जंक फूड है वो एज अ एंटरटेनमेंट हम रख सकते हैं कि हफ्ते में एक आधी बार दे दिया, और जो रेगुलर खाते हैं तो उसमें ऑब्वियसली है कि बॉडी को इफ़ेक्ट तो करेगा, चाहे वो यंग हो या चाइल्ड हो, बट जो बच्चे हैं उसमें ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने वो चीज़ें दे दी, स्टार्ट कर दी, तो उसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है। पेरेंट्स को चाहिए कि अवॉइड करें, और बाकी यंग जनरेशन तो खुद कर सकती है इतना अवेयरनेस। जैसे आप लोगों को गाइड करते हैं और बहुत सारे जो डिलीवरीज हैं आप नॉर्मल भी कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी आज कोई ऐसा कोई हुआ नहीं है, नॉर्मल डिलीवरीज हो सकती हैं? जैसे आप लोग सेवा करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको पेरेंट्स के बारे में बताते हैं, अवेयर करते हैं अपने पेशेंट्स को कि ये चीज़ें जो हैं ये दीज आर पार्ट एंड पार्सल, और उस वजह से उनके मन में डर पहले नहीं रहता और वो नॉर्मल कंसीव भी हो जाते हैं और नॉर्मली उनको डिलीवरीज भी जो है वो बिना ऑपरेशन के वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। देखो आजकल कुछ तो इलेक्टिवली करा लेते हैं कि हमें पेन्स सहनी नहीं है, तो अपना इलेक्टिव है कि ऑपरेशन करा लिया, तो वो भी चलो जो उसका ओपिनियन है वो अपना खुद का ओपिनियन होता है। बट नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या है कि आजकल लाइफस्टाइल लोगों ने ऐसा बना लिया है कि बस प्रेगनेंसी हो गई तो हमें काम नहीं करना, तो बस वो जो लाइफस्टाइल है इनएक्टिविटी की वजह से, मैंने पहले भी बताया, वो सब इनएक्टिविटी की वजह से ही रहता है कि बॉडी अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड नहीं कर पाती है पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो सके। पहले की लेडीज़ सारा काम करती थी, घर का काम करती थी, बाहर का भी करती थी, तो उनकी बॉडी प्रिपेयर होती रहती थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ता है, ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है कि कोशिश यही रहती है कि उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर किया जाए। तो हम उसको समझाते हैं कि क्या पूरे दिन में करना है, क्या खाना है, कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा कुछ समझाया जाता है उनको। तो सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी आपके क्लिनिक की कि आप लोग ऊपर रह रहे हैं और रेजिडेंस का ऊपर होने के कारण, क्योंकि डिलीवरीज का जो काम है, पेंस का काम है, वो छुटते ही रात को हैं और इसके लिए वो लोग आपको रात को भी जगाते हैं, तो आप लोग दोनों मस्तदी के साथ सेवा करते हैं और उठकर आ जाते हैं और उन पेशेंट्स को एक नई ज़िंदगी देते हैं। देखिए ये काम भगवान ने हमें दिया है कुछ सेवा करने का, तो वो काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए, तो इसके लिए हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि रात हो गई है या हमने पेशेंट को अटेंड नहीं करना है। पेशेंट इज़ फर्स्ट, बाकी लाइफ जो है वो अपनी सेकंड पे है, मतलब पेशेंट प्रायोरिटी है,
क्योंकि ये काम में आए हैं, तो वो हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि दिन में 4 बजे पेशेंट आ गया या 1:30 बजे आ गया तो हम क्या करें, तो ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक तो, और भगवान की दया से आगे भी ना हो, ऐसा मन में ना आए कि ऐसा कैसे करें। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सबकी, हमारी पूरी हॉस्पिटल की टीम से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।